ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 31 दिसंबर 98। हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। हिम्मत के आधार पर मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। आज नवयुग रचता बाप दादा, नए युग सतयुग के रचयिता निराकार परमात्मा शिव बाबा, अपने अति स्नेही सदा सहयोगी और अति समीप बच्चों को नवयुग नवजीवन और नव वर्ष की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा को दिल में सम्मुख रख मुबारक ले रहे हैं, चाहे सामने बैठे, चाहे सृष्टि पर कहीं भी कितनी भी दूर बैठे, लेकिन दिल से याद से लगन से बाप दादा को सम्मुख मुबारक ले रहे हैं। मुबारक अर्थात दुआएं अर्थात शक्तियां। बाप दादा बच्चों के नव वर्ष के उमंग उत्साह को देख हर्षित हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे हैं, चाहे समीप बैठे हैं, सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस वर्ष में नवीनता करके ही दिखाएंगे। अंडरलाइन, क्या उमंग उत्साह है? इस वर्ष में नवीनता करके ही दिखाएंगे। नवीनता अर्थात अभी जहां हम हैं यहां से बहुत ऊपर, ये हमारा नॉर्मल चल रहा है, ये हमारा पुराना वाइब्रेशन था, ये अभी हमारा नॉर्मल है। नवीनता क्या है? उड़ती कला, हर रोज नया 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 उत्साह, परिवर्तन, स्थिति ऊपर। तो आपने कहा इस वर्ष उमंग उत्साह है कि नवीनता करके ही दिखाएंगे। किस चीज में नवीनता करेंगे? चाहे स्व के परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना शुभकामना द्वारा परिवर्तित करने में। उमंग भी अच्छा है, उत्साह भी अच्छा है। इसको अंडरलाइन करें होमवर्क। तीन चीजों में नवीनता, चाहे स्व के परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, और तीसरा हर आत्मा को शुभ भावना शुभकामना द्वारा परिवर्तित करने में। खुद को परिवर्तन करने में, सेवा की सफलता में, और हर आत्मा को शुभ भावना शुभकामना द्वारा परिवर्तित करने में। साथ साथ हिम्मत भी यथा शक्ति है, उमंग उत्साह सब में है। साथ में क्या चाहिए? हिम्मत। बाबा ने कहा हिम्मत यथाशक्ति है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद अवश्य देते हैं। डबल अंतर में, बाप दादा हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद अवश्य देते हैं। इस जीवन का फाउंडेशन ये इक्वेशन है, एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद। हम आत्माएं कलयुगी स्थिति में आए, एकदम लोएस्ट वाइब्रेशन। भगवान ने लक्ष्य दिया हाईएस्ट स्थिति, सत्योगी स्थिति, 16 कला, संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी स्थिति पर पहुंचना है। उतरे कितने समय में थे? 5,000 साल में। चढ़ना कितने समय में है? इस एक जीवन, उसमें भी कितने साल? आधा जीवन। उसमें भी समय कितना बचा? बहुत थोड़ा। तो बैटरी को डिस्चार्ज होने में, कम होने में 5,000 साल लगे, और फुल चार्ज करना है ये इतने थोड़े से समय में।
उसका फाउंडेशन क्या है? एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद। जैसे इधर से लेकर बहुत दूर एक डिस्टेंस तक चलकर जाना है, लेकिन 5 मिनट में पहुंचना है, तो पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन उस गेम का अगर रूल ये हुआ कि अगर एक स्टेप आपने रखा तो 100 स्टेप्स आप आगे जंप कर जाएंगे, फिर आप एक स्टेप रखेंगे और आप 100 स्टेप्स आगे जंप कर जाएंगे, तो हम 5 मिनट से पहले में पहुंच जाएंगे उधर। तो इसी तरह इस इक्वेशन को पकड़ के रखना है, एक संकल्प मुझ आत्मा का, पदम गुणा मदद भगवान की है। इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो, कभी भी स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, क्योंकि ये नवयुग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग, वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। अंडरलाइन, कभी भी स्व प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना है, अर्थात मैं तो नहीं पहुंच पा रही, मेरा तो योग नहीं लग रहा, मुझसे तो सेवा हो नहीं रही, मेरा पाठ ही ऐसा है, अपनी स्थिति को डाउन किया, हिम्मत कम, या यही संकल्प किसी और आत्मा के लिए किए, ये तो है ही ऐसे, ये तो आते ही नहीं ज्ञान में, ये तो इतने साल से ज्ञान में है फिर भी ऐसा करते हैं, बेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, अर्थात हिम्मत खत्म, स्थिति नीचे आएगी, जाना ऊपर था नीचे आने लगते हैं। इसलिए बाबा ने कहा स्व प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, क्योंकि नवयुग है ही, अंडरलाइन, नवयुग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग, वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। ये युग कौन सा है? हिम्मत से उड़ने का युग, हिम्मत का एक कदम रखा ऊपर गए, वरदानी युग, भगवान से वरदान मिलते हैं, पदम गुणा मदद मिलती है तो ऊपर उड़ते हैं। युग है ही उत्तम पुरुष बनने का युग, तो उत्तम की तरफ ही जाएंगे, और डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। तो कोई भी ऐसा वेस्ट थॉट आए तो अपने आप को इस युग का महत्व याद दिलाकर हमें उस संकल्प को खत्म कर नवीनता की ओर आगे बढ़ना है। कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्वपुरुषार्थ चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि स्वपुरुषार्थ में व सेवा में सफलता हुई पड़ी है, होना ही है, असंभव संभव होना ही है, क्योंकि ये युग सफलता का युग है, असंभव संभव होने का युग है। इसको अंडरलाइन करें, ये युग कौन सा युग है? असंभव संभव होने का युग है। सबसे बड़ा असंभव तो यही है, मुझ आत्मा की कलयुगी संस्कार सारे परिवर्तन होकर मैं आत्मा सत्युगी आत्मा बनने वाली हूँ, यही असंभव था। लेकिन ये युग ही कौन सा है? असंभव संभव होने का युग। तो बाबा ने कहा चाहे स्व पुरुषार्थ चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है कि स्व पुरुषार्थ में व सेवा की सफलता हुई ही पड़ी है, होना ही है, असंभव संभव होना ही है, क्योंकि ये सफलता का युग है,
असंभव संभव होने का युग है। आज सारे लिख के रखने हैं, ये कौन सा युग है? ये हिम्मत रखकर उड़ने का युग है, ये वरदानी युग है, पुरुषोत्तम युग है। डायरेक्ट बाबा से सर्वशक्तियां सहज वर्षे में लेने का युग है, ये सफलता का युग है, ये असंभव संभव होने का युग है। इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। अंदल है ये वोकैबुलरी में, भाषा में आ ही नहीं सकता। क्या होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, ये क्वेश्चन इस युग में आप आत्माओं के लिए है ही नहीं है। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में है सफलता, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई बच्चा पैदा होता है, उसकी जन्म पत्री में आता है कब सफलता है, कितनी सफलता है, क्या कहीं जीवन की यात्रा में हार भी है, विघ्न भी है, सब कुछ जन्म पत्री में आता है। बाबा कह रहे हैं ब्राह्मणों की जन्म पत्री में है सफलता, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी आत्माओं को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, वर्षा मिलना ही है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, वर्षा मिलना ही है। तो नए वर्ष में विशेष स्मृति इमर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है ही। अंडरलाइन सब तरफ से, कौन सी तीन चीजों में बाबा ने कहा था नवीनता लाने? स्व का परिवर्तन, सेवा की सफलता और अन्य आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना से परिवर्तित करना। तो बाबा ने कहा ये स्मृति इमर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है ही। इस निश्चय से, रूहानी नशे से उड़ते चलो। अभिमानी नशा नहीं, रूहानी नशा। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजयी है ही है। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजयी है ही है। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही है। इसको अंदर इंटरनलाइज करें, किस बात का निश्चय? मैं कौन सी आत्मा हूं, मुझे किससे वर्षा मिल रहा है, युग कौन सा चल रहा है? असंभव को संभव करने वाला युग। तो बाबा ने कहा निश्चय, ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही है। विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही है। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है। इसलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। ऐसा निश्चय और नशा है, डबल विदेशियों को है। डबल विदेशी होशियार हैं, सबने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा, तिलक नजर आ रहा है। और भारतवासी तो है ही भाग्यवान, क्यों? भारत की धरनी ही भाग्यवान है। इसलिए चाहे विदेशी चाहे भारतवासी, दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं। इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो, विजय का लकीर
बाबा ने कहा, हर एक के मस्तक पर चमक रहा है, हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है, सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो। हिम्मत समाई हुई है क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ऐसे हो ना, तो सभी ने हाथ हिलाया। तो बाबा ने कहा, हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हैं, अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाप दादा को खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। बाप दादा को खुशी है, नाज है, मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। एक बार नहीं, अनेक बार की विजयी आत्माएं हो। तो कभी ये नहीं सोचना, पता नहीं क्या होगा। होगा शब्द नहीं लाना। विजय है और सदा रहेगी। होगा शब्द नहीं लाना, विजय है और सदा रहेगी। आज कौन से शब्द बाबा ने कहा था कि नहीं लाना, कि होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, ये शब्द कभी इस वोकैबुलरी में नहीं लाना। विजय है और सदा रहेगी क्योंकि अनेक बार की विजयी आत्मा है। भगवान को नाज है। तो अगर खुद पर कभी डाउट भी आए, तो हमें अपने आप को याद दिलाना है कि परमात्मा को मुझ पर निश्चय है। परमात्मा को पता है कि मैं आत्मा हर बार की विजयी हूँ। तो जब परमात्मा कह रहे हैं मैं हर बार की विजयी हूँ, तो मैं कैसे डाउट कर सकती हूँ अपने आप को। निश्चय, निश्चय कि बाबा जो कह रहे हैं वो ही सत्य है, ये निश्चय। तो इसलिए बाबा ने कहा, अनेक बार की विजयी आत्मा हो तो कभी ये नहीं सोचना, पता नहीं क्या होगा। होगा शब्द नहीं लाना। विजय है और सदा रहेगी। सब पक्के हैं, बहुत अच्छा। अभी फिर वहां जाकर ऐसा समाचार नहीं लिखना कि दादियां, बाबा, माया आ गई, ऐसे नहीं लिखना। कमजोर समाचार नहीं लिखना कि माया आ गई। माया जीत है, हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। ये रूहानी नशा इमर्ज करो। इस संकल्प को भी अगर हम रोज लें, माया जीत हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। तो बाबा ने कहा, ये रूहानी नशा इमर्ज करो। और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है ना, तो नशा मर्ज हो जाता है। लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए भी ये विजयीपन का रूहानी नशा है। अंडरलाइन, कर्म करते हुए भी ये विजयीपन का रूहानी नशा है। कर्म करते हुए के माया जीत, योग में बैठे हैं तो नहीं, सिर्फ कर्म करते हुए कि कोई भी बात आ जाए, मैं आत्मा माया जीत हूं, ये रूहानी नशा है। निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा। निश्चय की निशानी नशा है, और नशा है तो अवश्य निश्चय है। निश्चय की निशानी नशा है। अगर मुझ आत्मा को निश्चय है तो फिर उस बात का नशा है, इंटॉक्सिकेशन है। और अगर नशा है तो अर्थात निश्चय अवश्य है, दोनों का संबंध है। इसलिए अभी 99 में, तो 31 दिसंबर 98 की मूर्ति है, तो 99 शुरू होने वाला है। तो बाबा ने कहा, इसलिए अभी 99 में अपना नशा सदा इमर्ज रखना, तो अभूल हो जाएंगे।
अपना नशा सदा इमर्ज रखना तो अभूल हो जाएंगे। कौन सा नशा? निश्चय है कि विजयी निश्चित है, मायाजीत हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। ये नशा सदा इमर्ज रखना तो अभूल हो जाएंगे, न भूल होगी न मेहनत होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इस नव वर्ष को कैसे मनाएंगे? मुक्ति वर्ष मनाया, नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया, तो ये वर्ष ऑटोमैटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। मुक्ति वर्ष मनाया, नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया, तो ये वर्ष ऑटोमैटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। सब मौज में रहने वाले हैं, मेहनत करने वाले नहीं। मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती है? मौज अच्छी लगती है ना। तो ये वर्ष मन में संकल्प में भी मेहनत मुक्त हो। मुक्ति वर्ष अर्थात हर लगाव, हर कमजोरी, हर पुराने संस्कार, हर व्यर्थ संकल्प, इस सब से मुक्ति। तो बाबा ने कहा जब मुक्ति वर्ष है तो मेहनत तो हो ही नहीं सकती, तो ये वर्ष मन में संकल्प में भी मेहनत मुक्त हो। बाप दादा के पास बच्चों के पत्र व चिट्ठियां बहुत अच्छे अच्छे हिम्मत की आई है कि हम अब से 108 की माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं, और रू रिहान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आप सबके बीती को बिंदु लगा दिया, इसलिए बीती को सोचो नहीं, अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। अंडरलाइन करें। बाबा कहते बच्चों के उमंग उत्साह के पत्र आए हैं कि बाबा हम 108 में आएंगे, हिम्मत और निश्चय रखा है। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चों को? बाप ने आप सब के बीती को बिंदु लगा दिया है। पिछले क्षण तक मुजात्मा ने जो गलती की, जो समय वेस्ट किया, योग शक्तिशाली नहीं हुआ, जो भी कमजोरी थी, कोई व्यर्थ संस्कार, तो बाबा क्या कहते हैं? बाप दादा ऐसे बच्चों को जो हिम्मत रख रहे हैं अभी कि बाबा हम 108 में आएंगे, बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आप सबके बीती को बिंदु लगा दिया है, इसलिए बीती को सोचो नहीं, अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। तो बाबा ने हमारे पास्ट को बिंदी लगा दिया, तो मुझ आत्मा को भी अपने पास्ट को बिंदी लगाकर सोचना नहीं है, हिम्मत रखनी है और हिम्मत के रिटर्न में पदम गुणा मदद से आगे बढ़ते चलना है। नव वर्ष के नए उमंग में बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, चाहे विदेश के बच्चों ने, चाहे देश के बच्चों ने। बाप दादा ऐसे बच्चों को यही वरदान देते हैं, इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भव। अंडरलाइन वरदान। इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भव, अर्थात हिम्मत, निश्चय, नशा कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अमर भव, अमर रहेंगे ना
डबल विदेशी अमर रहेंगे, भारतवासी भी रहेंगे ना। भारत को तो नंबर लेना ही चाहिए। नए वर्ष में क्या मनाते हैं? एक तो गिफ्ट देते हैं और दूसरा ग्रीटिंग देते हैं। मिठाई खूब खाते खिलाते हैं, नाचते गाते भी बहुत हैं। तो आप सिर्फ 12 के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नव युग में हर घड़ी नहीं है, हर श्वास नया है, हर संकल्प नया है। इसलिए सदा पूरा वर्ष, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं, 12 ही मास सदा एक दो को दिलखुश मिठाई बांटने रहना। तो हमारा नया वर्ष, बाबा कह रहे हैं 12 के बाद एक दिन नहीं नया वर्ष मनाना, लेकिन इस नव युग में हर घड़ी नई है, हर श्वास नया है। नया अर्थात स्थिति ऊपर जा रही है। जो पिछली स्थिति थी वो अब अगली स्थिति नहीं हो सकती। हर श्वास नया है, हर संकल्प नया है। इसलिए सदा पूरा वर्ष, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 12 ही मास सदा एक दो को दिल खुश मिठाई बांटते रहना। बांटेंगे ना, दिल खुश मिठाई बांटनी आती है ना, सभी होशियार हैं। तो दिल खुश मिठाई बांटना, कोई आपकी दिल खुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण अगर नहीं भी स्वीकार करे, तो आप दिल शिकस्त नहीं होना। आपने बांटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। जब हम किसी के प्रति शुभ भावना रखेंगे, हमारा संकल्प श्रेष्ठ होगा, हमारा व्यवहार एक्यूरेट होगा, आत्मा की शक्ति तो बढ़ती गई। अगर सामने वाले के अंदर चेंज नहीं आया, या सामने वाले ने अभी भी कुछ ऑपोजिट किया, कुछ ऑपोजिट व्यवहार किया, तो भी मुझ आत्मा की स्थिति उनके व्यवहार पर नहीं, मेरी स्थिति अपनी सोच अपने संस्कारों के आधार पर है। तो हमें वो दिल खुश मिठाई देते जानी है। तो बाबा ने कहा फिर आप दिल शिकस्त हो ही नहीं सकते, अर्थात हमारी स्थिति डाउन जा ही नहीं सकती। फिर इसको अंडरलाइन करें, आपने बांटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। भगवान का मुझे डायरेक्शन है कि तुम हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो, तुम हिम्मत का एक कदम रखो और निश्चय रखो कि वो परिवर्तित होंगे ही। तो हमने क्या किया, हमने बाबा की आज्ञा को माना, अर्थात वो हिम्मत का एक कदम रखा, तो उसमें भी पदम गुणा मदद मुझ आत्मा को मिलेगी। तो बाबा ने कहा आपने बांटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। ये नहीं देखना कि मैंने तो दिल खुश मिठाई खिलाई, लेकिन ये तो नाराज हो गया। कोई हर्जा नहीं, वो राज को नहीं जानता है ना, तो नाराज हो गया। आप तो राज को जानते हो ना, तो ये राज भी जान लो कि ये हिसाब किताब व समस्या के वश है। लौकिक में भी माँ बाप के दो बच्चे हैं, माँ बाप दोनों बच्चों को सेम शिक्षा देते हैं, सेम राय देते हैं। एक बच्चा मानता है, दूसरा बच्चा नहीं मानता है, तो माँ बाप क्या कहते हैं, तुमने किया ना ठीक, कोई बात नहीं, वो छोटा है, वो कमजोर है, वो परवश है, तुम अपना सही व्यवहार सही कर्म करते जाओ। तो बाबा ने कहा ये नहीं देखना कि मैंने तो दिल खुश मिठाई खिलाई, लेकिन ये तो नाराज हो गया। कोई हर्जा नहीं, वो राज को नहीं जानता है तो नाराज हो गया। आप तो राज को जानते हो ना, तो ये राज भी जान लो कि ये अर्थात वो दूसरी आत्मा
हिसाब किताब व समस्या के वश है, आप आज्ञाकारी बनो। लौकिक में भी माँ बाप ऐसे ही बोलते हैं कि वो छोटा है ना, वो कमजोर है, तुम उसको छोड़ दो, लेकिन तुम आज्ञाकारी बनो। तो बाबा कहते हैं ठीक है ना, आज्ञाकारी बनना है ना, यहाँ तो हाँ बहुत अच्छा करते हैं, अगर आप यहाँ देखो ना, हाथ भी बहुत अच्छा हिलाते हैं, खुश कर देते हैं, कांध भी हिलाते हैं, हाथ भी हिलाते हैं, लेकिन बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते हैं। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो, जैसे भी हो, बाप तो देख खुश होता ही है। बाप ने जो वायदा किया है, कैसे भी लायक बनाकर साथ ले ही जाना है। टीचर भी ऐसे करता है, माता पिता भी ऐसे कहते हैं कि कैसा भी स्टूडेंट है, बच्चा है, मैंने तो इसको पढ़ाकर सिखाकर अच्छे नंबर से पास कराना ही है। माता पिता कहते हैं हमने तो इसको ये बनाना ही है। तो बाबा कहते हैं एक बार मैंने कह दिया कि ये मेरा बच्चा है, जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो, जैसे भी हो, बाप तो देख खुश होता ही है। बाप ने जो वायदा किया है, कैसे भी लायक बनाकर साथ ले ही जाना है। साथ में चलना है ना, साथ चलने के लिए तैयार हैं, सभी तैयार हैं, एवर रेडी हैं। अच्छा, एवर रेडी भी हैं, बहुत अच्छा, एवर हैप्पी भी हैं। और जब माया आ जाती है तो फिर थोड़ा थोड़ा मन में चिल्लाएंगे, बाबा माया आ गई, माया आ गई। चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना। चिल्लाना अर्थात नाराज होना, चिड़चिड़ा होना, रोना, उदास होना, निराश होना, ये है मन से डिस्टर्ब होना, चिल्लाना। तो बाबा ने कहा चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना, माया नीचे रह जाए और आप उड़ जाओ तो माया देखती रहेगी। अंडरलाइन, माया नीचे रह जाए, आप उड़ जाओ तो माया देखती रहेगी। तो हर आत्मा के प्रति बाबा ने कहा वो कैसा भी व्यवहार करे, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, हिम्मत और निश्चय कि इस आत्मा ने परिवर्तित तो होना ही है। कुछ मुरली पहले बाबा ने हमें कहा क्या कहना है, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कहते हुए हम बहुत अच्छे बन जाएंगे, अर्थात हमारा जमा का खाता। तो बाबा ने कहा आप आज्ञाकारी बने, आपका तो जमा का खाता बढ़ गया। फिर बाबा ने कहा आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन उन तक पहुंचेगी, वो भी बदल जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस एक शिक्षा को हमने पकड़ के रखना है कि हर एक के व्यवहार में, परिस्थिति में हमें सिर्फ शुभ भावना, शुभ कामना। आज बाबा ने कहा क्या होगा, कैसे होगा, ये संकल्प भी नहीं आ सकता है, ये युग है असंभव को संभव करने का युग। तो जब असंभव संभव हो सकता है, मैं आत्मा परिवर्तित नहीं हो सकती, मैं आत्मा उस आत्मा को परिवर्तित नहीं कर सकती, युग है असंभव से संभव होने का युग, युग है ही सफलता का, विजय का युग। तो बाबा कह रहे हैं आप चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना, माया नीचे रह जाए, आप ऊपर उड़ जाओ तो माया तो देखती रहेगी। अच्छा, तो खुशी में नाचते भी रहना और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना। साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए उसको कोई ना कोई गिफ्ट देना, कोई हाथ खाली नहीं जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे, आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट का स्टॉक है, तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जाना, फ्राक दिल बनना। किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसी को कोई गुण की गिफ्ट दो, मुख से नहीं लेकिन अपने चेहरे और चलन से दो। यदि कोई गुण व शक्ति इमर्ज नहीं भी हो तो कम से कम
छोटी सी सौगात भी देना, वो कौन सी? शुभ भावना और शुभ कामना की। शुभ कामना करो कि ये मेरा सिकिलदा भाई या बहन है, सिकिलदा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी। तो क्या करना है, किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दो, सबको गिफ्ट दो, देने में कंजूस नहीं बनना, फ्राक दिल बनना है। क्या देना है? शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसको? कोई गुण की गिफ्ट दो, अर्थात अपने अंदर शक्ति गुण सदा इमर्ज हो, तो हमारे से वो शक्ति का सहयोग, वो शक्ति की वाइब्रेशन, वो गुण की वाइब्रेशन दूसरे को मिल रही है। गुण हमारा उनके साथ व्यवहार में, कर्म में प्रैक्टिकल हो, तो उनको हमसे गुण मिल रहा है, मुख से नहीं लेकिन अपने चेहरे और चलन से दो, अर्थात शक्ति और गुण का ज्ञान देकर मुख से नहीं लेकिन अपने चेहरे और चलन से दो। और यदि कोई गुण व शक्ति इमर्ज नहीं भी हो रहा तो कम से कम एक छोटी सी सौगात तो दो कि उस आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना दो। शुभ कामना करो कि ये मेरा सिकिलदा भाई या बहन है, सिकिलदा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी। इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पाठ हो जाए, इसके लिए सहयोग व शुभ भावना है। कितना करना है? सिर्फ इतना सा संकल्प करना है, इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पाठ हो जाए, इसके लिए सहयोग व शुभ भावना है। कई बच्चे कहते हैं हम देते हैं वो लेते नहीं है। अच्छा, शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना, चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं, तो आप कौन हो? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तक हो। आपका धंधा क्या है? विश्व परिवर्तक है ना, तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो, और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टा चलन दिखाई, तो उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हो, पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करेंगे कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना, शुभ कामना की गिफ्ट देंगे, शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो, आप दे दो, परिवर्तन कर लो। इसको अंडरलाइन करके रख लेना, ये पूरा पैराग्राफ नोट्स बना के रखना है अपने पास, ये पुरुषार्थ को बहुत सहज, बहुत ऊपर लेकर जाएगा। सारा दिन में आत्मा की शक्ति क्यों घटती है? सिर्फ दूसरों के कर्म, संस्कार और व्यवहार के बारे में पर चिंतन करना, या फिर व्यर्थ बोलना, या फिर गलत व्यवहार करना, दूसरे के व्यवहार का हम पर प्रभाव पड़ना, ये है आत्मिक शक्ति घटना। तो मुझ आत्मा पर सिर्फ बाबा की शिक्षाएं और शक्ति का प्रभाव हो तो फिर उस आत्मा का प्रभाव नहीं पड़ सकता, और मुझ आत्मा से बाबा का प्रभाव उस आत्मा पर पड़े। जैसे बाबा कहते हैं, मुझसे शक्ति लेकर प्रकृति को दो, मुझसे शक्ति लेकर अपने शरीर को दो, आत्मा में तो भर ही रहे हैं, तो बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दो। सिर्फ विशेष सकाश देने के टाइम, योग देने के टाइम नहीं, जब प्रैक्टिकल में कोई बात आए उस समय हमारा हर संकल्प शुभ हो, हर संकल्प शुभ हो, और कुछ भी नहीं क्रिएट करा जाए तो बस यही कहना है वो बहुत अच्छे हैं, बाबा के महावाक्य है, सिर्फ बोलो वो बहुत अच्छे हैं। आज बाबा ने कहा ये याद करो कि इस आत्मा का भी भाग्य बहुत श्रेष्ठ है, इस भाई बहन भी उड़ती कला का पाठ बजाएंगे, अभी इसका पाठ होना ही ऐसा, ये सहयोग व शुभ भावना दो। कई बच्चे कहते हैं हम देते हैं लेकिन वो लेते नहीं है, तो बाबा कहते अच्छा, शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं, चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं,
आप कौन हो? आपका ऑक्यूपेशन है विश्व परिवर्तक, तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। और उसने अगर आपको उल्टा बोल बोल दिया, उल्टा चलन दिखाई, तो उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हो। पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करेंगे कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना, शुभकामना की गिफ्ट दो। नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करेंगे या नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना की गिफ्ट दो। अर्थात सामने दूसरे का बोल सुनाई दे रहा है, दूसरे का व्यवहार दिखाई दे रहा है, दूसरे के वाइब्रेशंस भी नेगेटिव आ रहे हैं। नेगेटिव को नेगेटिव धारण नहीं करना, नेगेटिव को नेगेटिव धारण करना अर्थात उनके व्यवहार का चिंतन। व्यवहार नेगेटिव है, हमने उसका चिंतन किया। उनके शब्दों का चिंतन, नेगेटिव को नेगेटिव धारण किया। उनकी वाइब्रेशन से हमने भी नेगेटिव संकल्प किए, नेगेटिव को नेगेटिव धारण किया। तो नेगेटिव को नेगेटिव धारण करेंगे या नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना, शुभकामना की गिफ्ट देंगे। वहां से वो कुछ गलत व्यवहार, गलत बोल, गलत फैलाना ये सब करेंगे, लेकिन हमें कौन सा संकल्प करना है? वो बहुत अच्छे हैं, वो सत्युगी आत्मा है, वो मेरा सिकीलदा भाई बहन है, वो उड़ती कला में जाने वाली आत्मा है। तो ये जब हमारे संकल्प होंगे तो उनके संकल्प बोल व्यवहार अलग होंगे, हम उसको नहीं धारण करेंगे। हमें बाबा ने जो संकल्प दिए हैं, शब्द दिए हैं, हम उनको धारण करके नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर हर एक को शुभ भावना की गिफ्ट देंगे। शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो, आप दे दो, परिवर्तन कर लो। तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वो प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। और ये पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। डबल अंडरलाइन, सिंपल इक्वेशन, सिंपल होमवर्क, राज्य अधिकारी बनने के लिए। और ये पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक बारी बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा। तो विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। सबसे पहले मुझे कौन से विश्व को परिवर्तन करना है? ये इनर वर्ल्ड, ये मेरी आंतरिक दुनिया, संकल्पों की, भावनाओं की, पुरानी बातों की, इस सब को परिवर्तन करना है। इसीलिए बाबा ने कहा नेगेटिव को नेगेटिव नहीं धारण करो। वहां से नेगेटिव आएगा, आप यहाँ इस विश्व में परिवर्तन कर यहाँ पॉजिटिव रखो। तो ये विश्व परिवर्तन मुझे करना है। जितना मैं आत्मा ये विश्व परिवर्तन करूंगी तो बाह्य विश्व के परिवर्तक हम बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा वही फिर भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। इसलिए सदा ये अपना ऑक्यूपेशन याद रखो, मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। दाता के बच्चे हो तो दाता बन देते चलो, तभी भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी। इस समय के दाता बनने का प्रारब्ध है, सत्युग में देना नहीं पड़ेगा राजा को, हर आत्मा भरपूर होगी। इसलिए हिसाब नहीं करना, इसने ये किया, इसने इतनी बार किया, मास्टर दाता बन गिफ्ट देते जाओ। अंडरलाइन, हमें याद रहता है
इसने ये किया, इसने इतनी बार ऐसा किया मेरे साथ। बाबा कहते हैं मास्टर दाता बन, गिफ्ट देते जा। और ग्रीटिंग्स क्या देंगे? देखो किसी को भी किसी से प्राप्ति होती है ना, तो उसके मुख से मन से यही शब्द निकलता है कि आपको मुबारक हो। तो एक दो को खुशी बांटते हो तो कहते हैं मुबारक हो, उत्सव मनाते हो तो कहते हैं मुबारक हो। ऐसे जो भी आपके सामने आवे तो मुख से ऐसे शब्द बोलो, संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प को, जो भी आपसे मिलेगा वो हर समय दिल से मुबारक व दुआएं अवश्य देगा। जो भी सामने आवे तो मुख से ऐसे शब्द बोलो, संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो, जो भी आपसे मिलेगा वो हर समय दिल से मुबारक व दुआएं अवश्य देगा। अर्थात हमारे बोल, हमारे संकल्प, हमारी वाइब्रेशन ऐसी हो कि जो भी हमारे संपर्क में आए वो भी हमें मुबारक और दुआएं देगा। तो सदा ऐसे बोल बोलो, ऐसे संबंध संपर्क में आओ जो दिल से मुख से मुबारक निकले व दुआएं निकले। सदा ऐसे बोल बोलो, ऐसे संबंध संपर्क में आओ जो दिल से मुख से मुबारक निकले, दुआएं निकले। ऐसा शब्द नहीं निकालो जो मुबारक लायक नहीं हो। अंडरलाइन, हमारे मुख से ऐसे शब्द निकले कि वो शब्दों के लिए सामने वाले के मन से हमारे प्रति मुबारक व दुआएं हो। ऐसा शब्द नहीं निकालो जो मुबारक लायक नहीं हो। एक एक बोल जैसे रतन हो, साधारण बोल नहीं हो। कुछ संडे पहले की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, आप साधारण रूप से भी कुछ बात कर रहे हो और वहां से कोई गुजरे तो वो यही कहे, इनके बोल नहीं है मोती हैं। तो बोल ऐसे जो हर एक से दुआएं मिले और मुबारक मिले। एक एक बोल जैसे रतन हो, साधारण बोल नहीं हो। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा है, कल तो बदल जाएगा लेकिन अब तक देखा है। मतलब मैंने कहा 31 दिसंबर के बाद बीती सो बीती को बिंदी कर देंगे, लेकिन रिजल्ट तो बताएंगे ना। अब तक देखा है कि बोल में जो संयम और स्नेह होना चाहिए वो स्नेह भी कम हो जाता है और संयम भी कम हो जाता है। बैलेंस और प्यार, स्नेह, तो बाबा का स्नेह भी कम हो जाता है, संयम भी कम हो जाता है। इसलिए ऐसा बोल बोलो जो रतन हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रतन समान हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो बोल भी रतन समान हो। ऐसा मूल्यवान हो, साधारण नहीं हो, न साधारण हो न व्यर्थ हो। बोल न साधारण न व्यर्थ, स्नेह और संयम बैलेंस्ड, मूल्यवान हो। और कभी कभी बाप दादा देखते हैं रिजल्ट सुनाए, क्योंकि 12 बजे के बाद तो सब समाप्त करना है। तो बाप दादा ने ये भी देखा को कोई कोई बच्चे छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज्यादा बोलता है ना तो जैसे वृक्ष का विस्तार होता है, उसमें बीज छिप जाता है। वो ऐसे समझते हैं कि हम समझाने के लिए विस्तार कर रहे हैं, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाना चाहते हैं ना उसका सार छिप जाता है। और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है। किसी को हमें कुछ कहना है, किसी से हमें कुछ बात करनी है, किसी के साथ हमें कोई चीज क्लैरिफाई करनी है, कोई समझानी है, तो बाबा ने कहा कई बच्चे बातों का बहुत विस्तार करते हैं। इसमें क्या होता है, जब ज्यादा बोलते हैं तो वृक्ष का विस्तार होता है, तो बीज छिप जाता है। तो बाबा ने कहा बोल और वाणी की एनर्जी होती है।
जो वेस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। अंडरलाइन, अगर हमारे व्यर्थ बोल हैं तो हमारे शब्दों की शक्ति घटती जाती है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे आपके बोल महावाक्य हो, वाक्य नहीं रतन है। जो वेस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है, ज्यादा बोलने वाले के दिमाग की एनर्जी भी कम होती है। शॉर्ट और स्वीट, ये दोनों शब्द याद रखो। वेस्ट बोल होते हैं, वाणी की एनर्जी कम हो जाती है, दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। शॉर्ट और स्वीट, ये दोनों शब्द याद रखो। और कोई सुनाता है ना तो उसको कह देते हैं कि मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं है, लेकिन जब खुद सुनाते हैं तो टाइम भूल जाते हैं। इसलिए अपने खजानों का स्टॉक जमा करो, संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो। संकल्प, बोल, शक्तियां, समय, गुणों का खजाना जमा करो। रोज रात को अपने इन खजानों के बचत का पोता मेल चेक करो। कितने संकल्प वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा किए। एंड ऑफ द डे चेक करना है, बाबा का चेक करो कि आज कितना वेस्ट हुआ, समय वेस्ट हुआ, थॉट्स कितने वेस्ट थे, शब्द कितने वेस्ट थे। इसको चेक करो, इसको हमें नोट करना चाहिए। अगर हम नोट करते हैं ना तभी हमें पता चलेगा कि कितना वेस्ट हुआ था, नहीं तो ओवरऑल पता ही नहीं चल रहा है कि रोज कितना वेस्ट जा रहा है। जैसे पैसों का हिसाब किताब रखा जाता है तभी पता चलता है कितना आया, कितना खर्च हुआ, कितना जमा हुआ, कितना वेस्ट हुआ। अगर नोट नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेंगे पैसे कहाँ गए सारे। इसी तरह समय कहाँ गया आज सारा दिन का, शक्ति कहाँ गई, संकल्प और बोल कहाँ लगे, कितना समय बेस्ट के खाते में जमा किया, गुण और शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य किया, गुण को कार्य में लगाया, शक्ति को कार्य में लगाया, ये है जमा करना। हर कर्म हर व्यवहार में गुण और शक्ति को कार्य में लगाना, ये है जमा करना। तो सभी संकल्प, समय, गुण, शक्ति, इसका पोता मेल रोज रात्रि को चेक करो, फिर टोटल करो कितना बचत का खाता हुआ। यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी और औरों को भी देगी। तो समझा क्या करना है, सब पूछते हैं ना क्या करना है, अब ये करना है। ग्रीटिंग्स भी लेना है, गिफ्ट भी देना है, जमा भी करना है और मेहनत को छोड़ना है। जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाएं, वेस्ट और नेगेटिव मुक्त वर्ष मनाएं, वेस्ट और नेगेटिव मुक्त वर्ष मनाएं। बाप दादा मुक्ति वर्ष की रिजल्ट अभी नहीं पूछ रहे हैं, बाप दादा को याद है, रिजल्ट लेंगे कि कितनों ने मुक्ति वर्ष मनाया या मास मनाया, कि मुक्ति वर्ष मनाया या मास मनाया, अर्थात होमवर्क सिर्फ 1 महीना याद था या पूरा साल मुक्ति वर्ष मनाया, 6 मास मनाया, आधा मनाया, पूरा मनाया, ये सब हिसाब लेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही समीप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग के रचता का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये घड़ी है विदाई और बधाई की, संगम है। पुराने वर्ष को विदाई, पुराने वर्ष के साथ साथ पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार
सबको विदाई और नए उमंग उत्साह संपन्न वर्ष को मुबारक के साथ बधाई भी हो। इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष मनाना है। इस वर्ष को सदा स्व और सर्व को निर्विघ्न भव के वरदान से मनाना है। इस वर्ष को मेहनत मुक्त वर्ष बनाना है। इस वर्ष को सदा स्व और सर्व को निर्विघ्न भव के वरदान से मनाना है। इस वर्ष को सदा विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे को सदा हर कर्म करते भी इमोज रखने का वर्ष मनाना है। इस वर्ष में हर एक को बाप दादा और दादियों द्वारा नंबर वन जाने का इनाम व गिफ्ट लेनी है। इसके लिए सभी विदेशी व भारतवासियों को नंबर वन का निश्चय रख आगे बढ़ना और बढ़ाना है। तो बहुत बहुत याद प्यार सहित सब प्रकार की मनसा से वाचा से सब रूप से बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। अभी एक सेकंड सभी पावरफुल संकल्प से दृढ़ता से पुरानी वस्तुओं को पुराने वर्ष को पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दो। एक सेकंड सभी दृढ़ता सफलता है। इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। सब पुरानी बातों को एक सेकंड में विदाई दो। दृढ़ता सफलता है। इस संकल्प में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। वरदान, टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहम दिल भव। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी परेशान हैं। विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। आप उन्हें हिम्मत दो। जैसे किसको टांग नहीं होती है तो लकड़ी की टांग बनाकर देते हैं तो चलने लगता है, ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो। क्योंकि बाप दादा देखते हैं अज्ञानी बच्चों का अंदर क्या हाल है। बाहर का शो तो बहुत अच्छा टिप टॉप है लेकिन अंदर बहुत दुखी है। तो मास्टर रहम दिल बनो। स्लोगन, निर्माण बनो कोमल नहीं। निर्माणता ही महानता है। निर्माण बनो कोमल नहीं। निर्माणता ही महानता है। अच्छा, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्राह्मण वस्त्र संगठित रूप में शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो। ज्ञान स्वरूप बाप की किरणों के नीचे बैठ पूरे ग्लोब को शांति शक्ति और पवित्रता की सकाश देने की सेवा करेंगे। बाबा का शुक्रिया। ओम शांति।